Let us understand why non-conservative electric field, for non-conservative electric field, we cannot define electric potential. It has no meaning. Let us understand that. देखिए, जब आपके पास स्टैटिक चार्जेस की मदद से फील्ड होती है, स्टैटिक चार्जेस, ओके, सपोज उसकी वजह से मान लीजिए फील्ड इस तरीके से, और आपका एक मान लीजिए आपने चार्ज यहाँ रख दिया, तो फील्ड क्या करेगी, उसे यहाँ इस पोजीशन से यहाँ ले आएगी, ए से बी ले आएगी। और ऑब्वियसली जब फील्ड में आप कोई चार्ज छोड़ देते हो तो वो हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। हमको पहले ही पता है कि बिकॉज इक्वल्स टू माइनस का डी वी बाई डी आर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट एनी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, विल मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस। नाउ आप देख सकते हैं कि हम वी ए माइनस वी बी जो है वो इट इज कमिंग आउट टू पॉजिटिव, इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग, ओके और जब हम इसे वापस लेकर आएंगे, सपोज वापस लेकर आते हैं, देन वी गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग बट इन नेगेटिव, एंड दैट इज वाई इन अ लूप वी गेट टोटल वर्क डन एज जीरो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रीजन में एग्जिस्ट करती है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ लूप, ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो अगर इस जगह पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, जहाँ पे ऑब्वियसली एक पोटेंशियल भी है, सपोज 5 वोल्ट पोटेंशियल, दैट इज द ई एम एफ ऑफ 5 वोल्ट, ये फैराडे की वजह से है ना, ये माइनस डी फाई बाई डी टी, इसकी वजह से इस रीजन में 5 वोल्ट हम निकाल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज ये 5 वोल्ट के बराबर है, ओके, सो दैट मीन्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग द चार्ज, इट इज डूइंग सम वर्क ऑन दी चार्ज, डेफिनेटली इट इज डूइंग सम वर्क ऑन दी चार्ज। यही तो हमने सबसे निकाला हुआ है कि वर्क डन ई डॉट डी एक्स से निकाल रहे हैं, एंड इफ देर इज अ 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, देन पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 जूल पर कूलम। इफ सपोज आई टेक 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा काम क्या होगा 5 वोल्ट में, सॉल्व करके दिखाऊं, देखो, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 कूलम चार्ज क्या होगा, इट विल बी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने ई एम एफ बताई है आपको यहाँ पे 5 वोल्ट, तो 1 कूलम इंटू 5 वोल्ट क्या हुआ, 5 जूल। सो वेन यू डू, वेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग सम वर्क, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज डूइंग सम वर्क, दे हैड टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी तो पोटेंशियल में कुछ चेंजेस तो आएंगे ना, डिफरेंस तो आएगा ना। यहाँ भी वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, चेंज होगा, वर्क डन भी किया, वर्क डन किया है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल में चेंज आना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चार्ज पूरे सर्कुलर पाथ में घूमने के बाद वहीं आ जाता है, उसकी पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं हुई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम भी किया 5 जूल का, लेकिन उस यूनिट चार्ज की पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो इसी सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड काम तो कर रही है पर पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा। स्टैटिक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब काम करती है पोटेंशियल बदलता है, घटता है, उल्टा ले जाओगे, बढ़ता है, कुछ होता है, लेकिन तभी तो लूप में जीरो आता है। यहां एक प्रॉब्लम ये आ रही है, बिकॉज ऑफ इट्स लूपिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर वी डोंट सी हियर वेदर इज अ ओरिजिनेशन पॉइंट पॉजिटिव, टर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट नेगेटिव, वहां पे हमेशा आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ आओगे तो जीरो मिल जाएगा। यहाँ लूप होने के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क तो कर रहा है चार्ज पे, पर उसकी पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो जब पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगी, अगर आप निकाल के देखें, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल्स टू, मैं इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम काम इलेक्ट्रिक फील्ड से करा रहे हैं, जब खुद काम करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, है ना। सो वी आर गेटिंग ई डॉट डी एल विच इज कमिंग आउट टू बी जीरो, बिकॉज इन दिस क्लोज्ड पाथ द पोटेंशियल इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो आई एम गेटिंग ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ। हाउ एवर दिस ई डॉट डी एल, जिसमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंटीग्रेशन
ये जीरो नहीं आता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में डिपेंड्स ऑन इज इक्वल टू, सॉरी नॉट डिपेंड्स ऑन, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि ये पहले ही इसकी वजह से हो रहा है, ये जीरो नहीं आता। तो अगर आप जबरदस्ती ठूसना चाहोगे, जबरदस्ती ठूसना चाहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि नॉन कंजर्वेटिव होती है, लूप नेचर है उसका, जबरदस्ती ठूसोगे तो आंसर जीरो दे देगा, पर वो जीरो होता नहीं है, वो होता है डी फाई बाई डी टी के बराबर। इसीलिए इस, क्योंकि सच्चाई तो ये है, एक्सपेरिमेंट तो ये दिखाते हैं कि जीरो नहीं आ रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम मीनिंगलेस बोल देते हैं, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है हमारे पास, है ना। पोटेंशियल सेम रहती है, वर्क हो रहा है जो कि डी फाई बाई डी टी के बराबर आ रहा है, तो अगर आप जबरदस्ती ठूसोगे तो फिर आपको जीरो मिलता रहेगा, उसका कोई मीनिंग तो है नहीं ना। लेकिन आप निकाल लो मैथमेटिकली, आपको जीरो मिल गया, बहुत खुश हो गए आप, लेकिन कोई मीनिंग ही नहीं है ना उसका, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर जीरो नहीं है ना। तो आप जबरदस्ती एक कॉन्सेप्ट को लाना चाह रहे हो, आपको वो आंसर भी सही से नहीं मिल रहा। आंसर तो डी फाई बाई डी टी के बराबर जो मैग्नीट्यूड में आया, कुछ भी जो आना होगा, जो कि 5 वोल्ट है, जो कि 5 वोल्ट के बराबर है, पर आपको यहाँ पे अगर आप ये लगाते हो कॉन्सेप्ट तो आपको जीरो मिल रहा है, अगर आप फेराडे लगाते हो तो आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये बात कही जाती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में ये कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस है, ध्यान रखना। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करते, पोटेंशियल शब्द की बात नहीं करते, ये बात याद रखें। और ये एग्जाम्पल जो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है, इसको दिमाग में रखना आपने और इंटरप्रेट करना, ठीक है, ताकि आपकी से इंटरप्रेट मतलब हो सकता है मेरी बातें आपको एकदम क्लियर ना हो। सीधा वीडियो अगेन एंड अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, सीधा वीडियो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड।